हंगरी के बुडापेस्ट से गोल्ड लेकर स्वदेश लौटी पहलवान प्रिया मलिक का उनके गांव में जोरदार स्वागत हुआ। स्वदेश लौटने पर गोल्ड मेडलिस्ट बेटी का हरियाणा की जींद में उनके पैतृक गांव निडानी में भव्य स्वागत किया गया। दो दिन पहले ही हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। 16 वर्षीय प्रिया मलिक ने कुश्ती के 73 किलोग्राम भार कैटेगरी में गोल्ड अपने नाम किया था। गांव पहुंचने पर ढोल बजाकर फूल मालाओं और लड्डू खिलाकर पहलवान का इस्तकबाल किया गया, साथ बधाई देने वालों का तांता भी लगा रहा। पहलवान प्रिया मलिक ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का है। इस खेल के प्रति कहां से प्रेरणा मिली आप? खेल के प्रति हमारे गांव से ही, गांव में शुरू से ही खेलों के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा था। यहाँ पे खेलों के लिए स्कूल था, डॉक्टर चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल, भाई सुरेंद्र मलिक मेमोरियल स्कूल, ये दोनों स्कूल ही थे इधर। तो दूसरे खिलाड़ी को आप क्या प्रेरणा संदेश देना चाहेंगे? वो भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, वो भी ऐसे स्कूल का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। मेरा आगे ओलंपिक में मेडल जीतना है। तो वहीं प्रिया के पिता बेटी के गोल्ड मेडल जीतने पर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि इससे और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। संदेश देना चाहते हैं सर, मतलब साहब के स्कूल से हमारे को भी फायदा हुआ है, हमारे भाई थे छोटे वे भी मतलब कुश्ती टीम के प्लेयर थे, बढ़िया प्लेयर थे, और ये गुड़िया भी ठीक है अपने बढ़िया मेहनत करके, पुराना साहब ने मेहनत करवाई, को सब ने बढ़िया मेहनत करवाई है, इसका मेहनत का नतीजा है, और बच्चों को मतलब बढ़ावा मिलेगा इससे, बच्चे बढ़ेंगे, साहब ने जो भी हमारे लिए किया है गांव के लिए बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। उधर गांव की सरपंच कविता ने भी प्रिया के मेडल जीतने पर बधाई दी, साथ ही इन्हीं के गांव से ओलंपिक में जाने वाले अंशु मलिक के लिए भी दुआएं दी। जो आज अपने गांव से दो लड़की गोल्ड मेडल लेकर आई है और आपके गांव से टोक्यो में अंशु मलिक भी गई है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगी, जो ये हमारी बेटी जो जीत के आई है, इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगी, और जो इनके कोचेज हैं उनको, जो इनका महत्वपूर्ण रोल है उनके लिए धन्यवाद दूंगी, और जो अंशु मलिक है उसके लिए भी शुभकामनाएं करूंगी कि वो भी गोल्ड मेडल लेकर जीत अवश्य आए। बता दें कि प्रिया 2019 में पुणे में खेलो इंडिया, 2019 में दिल्ली में 17वीं स्कूल गेम और 2020 में पटना में नेशनल कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। प्रिया मलिक ने साल 2020 में हुए राष्ट्रीय स्कूल खेलों में स्वर्ण जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।